हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीबीपी यूएसडी पेयर में लाइव ट्रेड करेंगे। यहां से गाइस 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे एक रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है। तो यहां से गाइस अगर हम प्राइस की बात करें, देखिए सबसे पहले हम प्राइस को समझेंगे, प्राइस ने किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और दोस्तों अगेन यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ से देख रहा हूँ, हो सकता है रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट डाउनफॉल यहाँ से कर सकता है और दोस्तों इजीली इस लेवल का हम टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ से कोई भी ट्रेड को प्लेस नहीं किया है। ट्रेड प्लेस करने के लिए दोस्तों हम यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो यहाँ से गाइस मार्केट डाउन फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं गाइस, देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। तो गाइस थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते करते यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो गया है। देखिए इस लेवल का भी अगर प्राइस यहाँ पे मिल जाए तो इस लेवल का मैं देख रहा था दोस्तों, यहाँ से बहुत आसानी के साथ हम हमारी ट्रेड को प्लेस कर सकते थे सेल बाय डायरेक्शन में। टारगेट की अगर बात करें तो दोस्तों इस लेवल का इजीली हम टारगेट यहां पर रख सकते थे, लेकिन अभी दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं बैठ रहा, क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर लगाना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों अभी ट्रेड को यहां से प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, अभी थोड़ा ऊपर वाले लेवल पर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा अप डायरेक्शन में यहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो इस लेवल का अगर प्राइस मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों, हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी मैं प्रॉपर यहाँ से वेट कर रहा हूँ, अभी कोई भी ट्रेड यहाँ से मैंने इनिशिएट नहीं की है दोस्तों, बीच में हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या हमारे लिए मौका देगा एंट्री का या फिर सीधा डाउनफॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है, किस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट होता है, इसके बारे में आपको एक आइडिया मिलेगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस लॉजिक के साथ यहां से ट्रेड को प्लेस करने का सोच रहा हूं मैं सेल बाय डायरेक्शन में, क्या क्या रीजंस है इस ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लेस करने का, क्या क्या लॉजिक मेरे यहाँ पर देखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट देखिए। यहाँ से गाइस अगर हम देखेंगे तो मुझे एक ये सपोर्ट एरिया जैसा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद आप डायरेक्शन चल जाए, फिर यहाँ से डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दे। देखिए दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे ये वाली प्राइस हमारे हाथ से निकल गई, बहुत शानदार प्राइस था दोस्तों, और अभी भी मैं इसी प्राइस पे अगर मिलेगा तो सेल डायरेक्शन में हमारे ट्रेड को प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखते हैं यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे मार्केट काफी ज्यादा डाउन आ चुका है और अभी अगर बात करें दोस्तों ये वाली अपॉर्चुनिटी हमारे से हो चुकी है मिस। बहुत शानदार सेटअप था गाइज, बहुत अच्छा प्राइस मुझे यहां पर मिल रहा था, बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते करते दोस्तों मार्केट थोड़ा डाउन आ गया। देखिए इस वाले लेवल पे मैं यहां से सोच रहा था एंट्री का और इस लेवल पे स्टॉप लॉस, और टारगेट की अगर बात करें दोस्तों देखिए अभी मार्केट यहां पे टारगेट भी अचीव कर दिया। देखिए इस वाले लेवल का दोस्तों यहां पे मैं टारगेट का सोच रहा था, जो कि इजीली दोस्तों मार्केट ने यहां पे अचीव कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हमसे हो चुकी है मिस, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लॉजिक को समझ लेते हैं, लॉजिक फर्स्ट लॉजिक क्या है, ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है इस ट्रेड को प्लेस करने का। तो सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे दोस्तों, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप यहां से ध्यान देंगे तो आपके लिए ये एक दोस्तों सपोर्ट लेवल नजर आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेने के लिए आया हुआ है, ये है दोस्तों हमारा रीजन नंबर 1, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए पहले हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया, अगेन यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया और अभी डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों रीजन नंबर 1। चलिए अब रीजन नंबर 2 को समझ लेते हैं दोस्तों। रीजन नंबर 2 बहुत आसान है गाइस, यहाँ पर क्या करेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ से लेवल्स को चेक करेंगे, यानी फीवन आसी रिटेस्टमेंट के लेवल को यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप बड़े आसानी के साथ यहाँ से समझ पाए और आप भी इसको यूज कर पाए। देखिए टॉप से पकड़ेंगे एंड बॉटम तक लेके आएंगे फिबोनाची को और यहाँ पे दोस्तों लेबल्स को चेक करेंगे। लेबल्स अगर आप यहाँ से चेक करेंगे कौन सा लेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप देख पाएंगे दोस्तों 38% का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेबल है उस लेवल पे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा था रीज़न नंबर 2, राइट। अब रीज़न नंबर 3 समझ लेते हैं।
रीजन नंबर थ्री की अगर बात करें, यहाँ से दोस्तों हमारे RSI को देखिए आप, RSI की अगर लाइन है अपसाइड मूव कर रहा है। प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों प्राइस डाउनसाइड मूव कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे एक RSI का डाइवर्जन भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इस ट्रेड में मेरे सॉलिड थ्री कन्फर्मेशन के साथ यहाँ से मेरे ट्रेड को प्लेस करने का सोच रहा था सेलवर डायरेक्शन में, लेकिन दोस्तों अभी ये अपॉर्चुनिटी हमसे हो चुकी है मिस। तो फ्रेंड्स यहाँ से अभी हम प्रॉपर वेट करेंगे, अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फाइनली गाइज यहां से मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सबसे पहले हमारे ट्रेड को यहां पे सेल्वर डायरेक्शन में प्लेस करेंगे 0.10 लॉट साइज के साथ। और दोस्तों यहां से मेरे ऑर्डर को प्लेस कर दिया है, ऑर्डर यहां पे ओपन हो चुका है। अभी आप अगर देखेंगे $1 के आसपास यहां से अभी लॉस दिखा रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी मैंने सेल डायरेक्शन में यहां से ट्रेड को प्लेस किया है। देखो यहां से अगर आप देखेंगे ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने यहां पे ब्रेक डाउन कर दिया है। तो दोस्तों यहां पे मैंने अपनी ट्रेड को सेल्वर डायरेक्शन में प्लेस कर दिया है। हालांकि दोस्तों इस ट्रेड में रिस्क है, लेकिन कोई बड़ी रिस्क यहां पे मैं नहीं लेने वाला। जो यहां पे स्टॉप लॉस दोस्तों हम रखने वाले हैं, स्टॉप लॉस को ज़्यादा यहाँ से बड़ा हम रखने नहीं वाले हैं, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा 33,997 का यहाँ से स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टॉप लॉस को यहाँ से हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी $3-4 के आसपास यहाँ से अभी हमारा लॉस दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर में चलते हैं और यहाँ पर 33,900 इसको 93 करेंगे दोस्तों, 93 कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों इसको मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मॉडिफाई हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस, $5+ यहाँ से अभी हमारा लॉस दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पॉकेट साइज़ का ही यहाँ पे हमने रिस्क उठाया है। और जो इस ट्रेड में हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वो भी दोस्तों 1:1+ ही यहाँ से हमने रखा है। तो देखते हैं दोस्तों मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। फाइनली गाइज यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। $11-12 के आसपास यहाँ से अभी हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है। देखिए यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करूँगा, क्लोज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी हम देख पाएंगे कितना चल रहा है। अभी $12.78 का यहाँ पे प्रॉफिट अभी शो कर रहा है। तो दोस्तों ऑर्डर मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है। अभी कितना बुक किया है यहाँ पे देखेंगे हम, $12.70 का यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो चुकी थी, लेकिन सेकेंड अपॉर्चुनिटी मार्केट ने यहाँ पे हमारे लिए दी। और दोस्तों आपने देखा यहाँ पे लगभग $13 के आसपास यहाँ से हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे लिए पेशेंसली वेट करना होता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके बाद ही ट्रेड को प्लेस करना होता है, अदरवाइज वेट करना होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।